किचन में काम करने का ढेर सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद कभी कभी ऐसी आ जाती हैं जो हमें कहीं ना कभी फंसा के रख देती हैं किचन के अंदर। जैसे कभी सब्जी बनाते वक्त उसमें तेल ज्यादा हो जाता है तो कभी गली हुई कीड़े वाली सब्जी घर पे पहुंच जाती है। तो आज किचन की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गए हैं दोस्तों, जिसमें आप अपनी फंसी हुई सिचुएशंस में आसानी से निकल पाएंगे और वो भी बढ़िया हलों के साथ। तो चलिए, सबसे पहली ट्रिक है दोस्तों, हमारे घर में अक्सर जब भी दूध गर्म करते हैं तो अंत में पतीले की हमेशा ऐसी ही हालत हो जाती है। कितना ही पानी क्यों ना डालें, एंड में पतीले से कुछ ना कुछ मलाई जरूर चिपकी रह जाती है। उबालने के बाद नेक्स्ट डे आप इस बर्तन को यूज कीजिए। क्या कीजिए, इसमें आटा गूंद लीजिए। इससे आपके दो फायदे हैं। पहली बात तो आपको आटे के लिए एक अलग से बर्तन नहीं लेना पड़ा। दूसरी बात, इसमें चिपकी हुई मलाई फैट वो आपको कहीं ना कहीं आपके आटे में मिल गई, यानी कि डबल बचत हो गई। अभी आपको इसमें आटा गूंद के दिखाएंगे दोस्तों कितना अच्छे से ये क्लीन हो जाता है पूरा का पूरा पतीला, और एकदम एक एक कण मलाई का जो चिपका रह जाता है वो एक एक कण इस आपको आटे में मिलेगा, और आपका जो ये पतीला है वो एकदम आपको सारी मलाई छोड़ के इस आटे में आता नज़र आएगा। ये देखिए दोस्तों, एंड पॉइंट, हमने जब पूरा का पूरा आटा गूंद लिया, देख सकते हैं। आज ही ट्राई कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे अपने इस पतीले को देख के। आपने बर्तन भी बचाया और अपने दूध का फैट का इस्तेमाल भी कर लिया जो बाद में पतीले में चिपका रह जाता है। अपनी अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। रोटी अक्सर ऊपर वाली और नीचे वाली भाप ले लेती है, थोड़ी सी गल जाती है। क्या कीजिए, नीचे अपने हॉट केस में टिश्यू के ऊपर एक छोटी सी छोटे तल्ले की कटोरी रख दीजिए और उसके बाद अपनी रोटियां रखें। अगर चाहें तो इसके ऊपर भी एक टिश्यू रख लें। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आपकी नीचे और ऊपर दोनों रोटियां कभी भी नहीं गलेंगी, फ्रेश रहेंगी, सॉफ्ट रहेंगी, और जो भी भाप बनती थी अंदर बॉक्स के वो ऊपर और नीचे की रोटी कतई भी ख़राब नहीं करेंगी। बॉक्स को कर दीजिए बंद और यूज़ करके देखिएगा, बेहद ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो हमारी अगली ट्रिक जो है वो है दोस्तों हमारे घर में आई सब्जियों को लेके। कभी कभी जो सब्जियां घर पे आ जाती हैं उसमें कीड़े का डर होता है, उसमें गंदगी ज़्यादा होती है, और महामारी के समय आपको अपनी सब्जियों को अच्छे से क्लीन करना भी अनिवार्य है। तो क्या कीजिए, जैसे आपके घर में गोभी आ गई और आपको दिख रहा है ऊपर से कितनी ज़्यादा डर्टी हो रही है, ना जाने कहाँ कहाँ से घूम के घर पर पहुँची है, तो इस सिचुएशन में क्या कीजिए, जैसे ही आप अपनी गोभी को काट लें तो इसमें दो रिस्क होते हैं, एक तो कीड़ा हो सकता है इसके अंदर और दूसरा इसके ऊपर की गंदगी। दोनों को एकदम जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या कीजिए, पहले तो गोभी के टुकड़ों को ऐसे अलग अलग इजीली कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर अंदर कोई कीड़ा या कुछ होगा तो आपको इजीली दिख जाएगा। उसके बाद जब आप इसको क्लीन करें तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। क्लीन करते वक्त आपको गैस पे गर्म पानी रखना है। गोभी जब भी घर में लाएं दोस्तों हमेशा इसे गर्म पानी में ज़रूर धोएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और गर्म पानी में जब आप इस गोभी को डाल दें उसके बाद आप इसमें एक स्पून नमक का ज़रूर डालें या फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़रूर डालें। ये दोस्तों एकदम वेजी क्लींस का काम करता है, वेजी की अच्छी टेबल से क्लीनिंग होती है और आपको बिल्कुल अच्छी एकदम स्वच्छ सब्जी घर पे इजीली मिल जाएगी। इसीलिए मैंने इसमें नमक डाला और इसको अच्छे से बॉयल होने दूंगा। अब आपको एंड रिज़ल्ट दिखाऊंगा, जो ऊपर से परत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी और कीड़े का तो डर था वो भी ऊपर आ जाएंगे, साथ ही में जो परत गंदी हो रही थी इसको हमने अच्छे से हीट दिया है। हीट देने की वजह से आप ऊपर की गंदगी भी हटते हुए देखेंगे। अभी मैं ट्रे में गोभी निकाल के दिखाऊंगा और आपको दिखाता हूँ कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है ये गोभी, तो आप कहेंगे बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट है। और पानी भी हमारा थोड़ा गंदा हुआ था, इसका मतलब साफ है कि गोभी गंदी थी। तो चलिए इस गोभी को आप फटाफट से निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए क्लीन होनी शुरू हुई और ये देखिए कितना अच्छा हमें मिल गया, नहीं तो हम चक्कू से खुरेद खुरेद के इसको साफ़ करने की कोशिश करा करते थे। ये देखिए कितना अच्छे से हमें साफ़ सुथरी स्वच्छ गोभी मिली। आप भी अपनी वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐसे महामारी के समय क्लीन करें। जो हमारी अगली ट्रिक है दोस्तों वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही असरदार है। तो चलिए इन गोभियों को निकालने के बाद आपको बता दें, जब भी आप अपने घर में बनाएं हलवा जब भी आप अपने घर में सूजी का बनाएं तो दोस्तों एक चीज़ का खास ख्याल रखें। लेट से हमने इसमें आधे से पौना कटोरी सूजी का डाला था, तो उसमें आपको एक खास चीज़ ऐड करनी है। सूजी के हलवे में हमेशा उसकी आधे क्वांटिटी की बेसन ऐड करके देखिए। इसमें पौना कटोरी के आसपास था सूजी, तो उससे आधा ही हमने बेसन डाला। अब दोस्तों जो हमारा हलवा बनके तैयार होगा उसका टेक्सचर, उसका कलर और उसका स्वाद तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाली है। इसको हल्का सा भून लेते हैं, इसके बाद आपको इसका टेक्सचर, इसका कलर दिखाते हैं। स्वादिष्ट तो ये बनेगा ही, प्योर देसी घी का इस्तेमाल जो किया है, लेकिन इसका कलर और टेक्सचर देख के भी आप बेहद ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अमूमन ऐसा कलर और टेक्सचर घर में आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सूजी और बेसन दोनों का इस्तेमाल साथ करेंगे तो आपको बताते हैं, जो बेसन है उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है सूजी में, थोड़ा डार्कनेस लाता है, थोड़ा कलरफुल बना देता है इस हलवे को, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो अब हमारा जो ये बेसन था, जो सूजी का मिश्रण था, भुन चुका है। अब हमने इसमें पानी डाला और अभी आप इसको टेक्सचर, इसका कलर दिखाते हैं। भाई वाह,
और इसके भुनने की गारंटी भी बताएंगे और कैसे आपको कब तक इसको बनाना होगा वो भी बताएंगे। चीनी डाली दोस्तों, अभी आप देखना तवे को कैसे एकदम पूरा जेली की तरह छोड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। उसका मतलब साफ है कि अभी हलवा ये बनकर तैयार हुआ है, अभी इसने छोड़ना नहीं शुरू करा इस पैन को, इस कढ़ाई को। अभी ये देखना फटाफट झटपट छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए दोस्तों कैसे छोड़ना शुरू कर दिया। या दिस इज़ द पॉइंट कि आपका हलवा बन चुका है, आपको अपने गैस को बंद करना है और आप टेक्सचर, कलर और स्वाद, तीनों स्वाद तो आप नहीं देख सकते लेकिन टेक्सचर और कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बढ़िया बना होगा। अक्सर हमारे घर में दलिए में चीनी में कीड़े आने के डर रहते हैं और इस दलिए में तो आपको साफ एकदम कीड़े दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ये कीड़े बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और ये हमारे खाने को ख़राब ना करें, इसके लिए हमारे पास आज एक ट्रिक है। चीनी के साथ साथ दलिया ऐसे ख़राब ना हो, आप ले लीजिए कुछ लौंग के दाने और वो अपनी चीनी में डाल दीजिए। अब जो ये दलिया हमारा वो तो ख़राब हो चुका है इसलिए अब हम इसमें लौंग नहीं डाल रहे, लेकिन अगर हमने इसमें काश पहले लौंग डाली होती तो हम इस दलिए को अपने बचा पाते, इसमें जो ये कीड़ा लगा पड़ा है वो कीड़ा नहीं लगता। इसलिए अब हम अपने इस दलिए में लौंग नहीं डाल रहे, चीनी में हमने डाल दी, दलिए को हमने छोड़ा और इसको अब थ्रो करना पड़ेगा क्योंकि ख़राब हो गया, लेकिन हम बचा सकते थे इसमें अगर लौंग डाली होती। तो यही हम आपको बताना भी चाह रहे हैं। अपनी अगली ट्रिक पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेहद इन्फॉर्मेटिव है और ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अक्सर हमारे बिस्किट सील जाते हैं, इनको सीलन से बचाने के लिए जहाँ भी हम इन्हें स्टोर करें वहाँ हल्का सा चीनी डाल दें, चीनी के कुछ डालने डालने के बाद अब बिस्किट के पैकेट को खोलें, इससे बिस्किट्स जो है हमारे वो सीलते नहीं हैं, दमदार रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। बिस्किट सीलेंगे नहीं तो टेस्टफुल रहेंगे। जब बिस्किट हमारे एक हफ्ता 10 दिन चलते थे वहीं 15 दिन चल सकते हैं अगर खुला पैकेट रह गया तो इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने बिस्किट को सीलने से बचाने के लिए इसमें थोड़े डाल लीजिए चीनी के दाने। भाई वाह क्या बात है। प्लीज़ हमारे पेज डिलीशियस फूड को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पे। घर पे आसानी से संतरे का, मौसमी का, कीनू का, किसी का भी जूस निकालना चाहें तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक कटोरी ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, गिलास की उल्टी साइड पर इस कीनू को अच्छे से रगड़ लें, बढ़िया स्वादिष्ट जूस मिलेगा। बस इसको बाद में छानना चाहें या पल्प के साथ पीना चाहें। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को ये जूस बेहद ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत एनर्जेटिक तो होता ही है, ईजीली निकल पे तैयार भी हो जाता है और इसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती। अभी हम आपको ये निकालने के बाद पूरा का पूरा यूज़ करने के बाद दिखाते हैं। पहले दोनों के दोनों टुकड़े हम अच्छे से निकाल लें और उसके बाद दिखाते हैं कितने अच्छे से पल्प भी निकला है और ये जो छिलके हैं वो कितने अच्छे से जूस को छोड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लीजिए कितना अच्छे से जूस निकला है। तब तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आसान और सरल मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है, कम वेस्टेज के साथ सबसे जल्दी के जल्दी झटपट के झटपट और आसानी से आरामदायक ये जूस आपको मिल भी गया है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, आप इन गिट्टक को छान लीजिए और हटा लीजिए और जूस को पी लीजिए और हमारे इतने मेहनती वीडियो को प्लीज़ शेयर करके हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं चलता हूँ, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।